राजस्थान में पिछले साल जब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी अदावत हुई है, तब से पायलट राजस्थान की राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े हुए किसान आंदोलन ने सचिन पायलट को एक और मौका दे दिया है राजस्थान में अपनी ताकत दिखाने का। सचिन पायलट किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार को भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को लेकर राजस्थान में किसानों के साथ महापंचायत की। महापंचायत में पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन न सिर्फ किसानों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस हाईकमान को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का समर्थन उनके साथ है। मंगलवार को भरतपुर में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बहुमत के आधार पर मनमानी नहीं की जा सकती। एक तरफ उनका इशारा मोदी सरकार की तरफ था, लेकिन इसके बहाने उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत सरकार को भी अपनी ताकत दिखा दी। आपको बता दें कि इससे पहले सचिन पायलट ने 5 फरवरी को दौसा में रैली की थी। इसके बाद 9 फरवरी को भरतपुर में उन्होंने किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। 17 फरवरी को वो जयपुर के चाकसू में एक रैली को संबोधित करेंगे। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि अभी तक सचिन पायलट ने जो 2 रैलियां की हैं, वो उन इलाकों में की हैं जिसे पायलट का गढ़ माना जाता है। जयपुर की प्रस्तावित रैली भी उसी इलाके में है जहां उनके वफादार विधायक हैं। दौसा के विधायक मुरली लाल, बयाना के विधायक अमर सिंह, चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को पायलट गुट का माना जाता है। सचिन पायलट ने कहा है कि वो किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। किसानों के बहाने पायलट अब अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।